अगर तुलना की जाए अब तेलुगु वॉरियर्स के लिए भी कुछ बड़े ओवर्स आए थे आखिरी या 6 ओवर्स खासकर। जी तेलुगु वॉरियर्स के लिए तकलीफ ये है कि नंद किशोर के 4 ओवर समाप्त, 1 विकेट पर 25 रन पर 1 विकेट, और रघु के भी, वो दोनों सबसे सधे हुए उनके गेंदबाज हैं। और अब जो गेंदबाज हैं आदर्श भी थोड़ा सा अप एंड डाउन, एक वाइड तो कभी शॉर्ट तो कभी फुल, और सचिन ने 1 ओवर किया काफी पिट गए, तो तेलुगु वॉरियर्स के लिए थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा कि अब नंद किशोर की जहां से गेंदबाजी खत्म होगी वहां से किसको किया जाए। फिर से बढ़िया शॉट, और यहां पे आप 4 रन मिलेंगे। गेंद छटकती हुई सीमा रेखा के बाहर गई, और ऐसी शुरुआत चाहिए थी बुलडोजर्स को। बहुत ही बढ़िया शॉट ध्रुव द्वारा, अपने अर्धशतक भी पूरा किया, बहुत ही बढ़िया पारी, स्थिति को संभाला है, परिपक्व बल्लेबाज है, और इस प्रकार अपना अर्धशतक पूरा किया ध्रुव ने। इतनी बुरी गेंद नहीं थी, बहुत ही बढ़िया शॉट था ध्रुव शर्मा का, और अकेला किनैनी का वहां प्रयास, देखिए क्या क्रिकेट देखने को मिल रही है। दुर्भाग्यशाली रहे अखिल की गेंद रोक नहीं पाए, लेकिन ध्रुव का अर्धशतक 52 रन सिर्फ 38 गेंदों में, 8 चौके, बढ़िया स्ट्राइक रेट, क्या पारी खेल रहे हैं ध्रुव, और वो भी कितनी दबाव में। ये आप सुन चुके होंगे, मैं एक बार फिर बताता हूं कि कर्नाटक बुलडोजर्स नॉकआउट राउंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन हारना कौन चाहता है। अजय ने बढ़िया बात की थी मोमेंटम की, मोमेंटम कर्नाटक बुलडोजर्स छोड़ना नहीं चाहते। जो यही बात हम चारों शुरू से कह रहे हैं, उनमें क्षमता भी है, उनके पास बैटिंग क्रम भी है चेज करने के लिए कोई भी स्कोर हो। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला, टाइमिंग इस बार इतना अच्छा नहीं, सीधा खिलाड़ी के हाथ में या लॉन्ग ऑफ के स्थान पे 1 रन मिलता हुआ ध्रुव को। जो भी गेंदबाज है ये सोच रहे होंगे, इधर कुआं उधर खाई, एक तरफ ध्रुव दूसरे तरफ राजीव, पर ध्रुव ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की अभी तक। जी हाँ, कुछ करारे कवर ड्राइव्स लाए बिहाइंड द बॉल, 1 बाउंस चौके, और उनके कट्स भी आज बड़े इंप्रेसिव रहे, शानदार अर्धशतक। ये आपने बिल्कुल सही कहा चारों, आप जो कट शॉट्स खेले हैं जितना लेट उनने खेला है, चतुराई या भरी या बल्लेबाजी, इस बार भारी कटरा, बड़ा शॉट के लिए जा रहे थे राजीव, जहां पे खेलना चाहे थे वहां पे गेंद नहीं गई, पर यही करना होगा, कम से कम स्ट्राइक रोटेट करे, कम से कम सिंगल ले, ये जरूर सोचना होगा कि हर गेंद पे चौका या छक्का नहीं लगा पाएंगे, यही जरूरी आवश्यक है कि कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते रहे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @CCL। 62 रन बनाने हैं केवल 27 गेंदों में। एक बार फिर चूके स्लोअर बॉल पर, आसान कैच होना चाहिए लेकिन यह भी ड्रॉप किया ध्रुव, बहुत ही भाग्यशाली रहे। तरुण, व्हाट वर यू थिंकिंग, लेकिन एक बार फिर अजय स्लोअर बॉल पर ध्रुव चकमा खा गए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल चकमा खा गए, पर अगर थरुन की बात करें जो कि पॉइंट पे थे, काफी लेट दौड़े, काफी लेट अपने स्थान से दौड़े थे, गेंद काफी ऊंची गई थी, और फिर पोजीशन देखिए संतुलन सही नहीं, और ये कारण गेंद छटकती हुई। जी वो सब ठीक है, लेकिन इस बार मुझे कहना होगा कि गेंद के नीचे आकर काफी समय मिला था उनको, तो ये एक आसान मौका था, और ऐसे मौके आप बार बार गंवा नहीं सकते। वही जानती है तेलुगु वॉरियर्स की टीम, उनका जो खेमा है, इस बार उठा के खेला ऑन साइड पे, और ये क्या बढ़िया प्रहार मैक्सिमम एक बार फिर, और वही बल्लेबाज राजीव, 4th छक्का अभी तक का राजीव का, कोई भी चौका नहीं लगाया पर 4 छक्के लगा चुके इस पारी में। क्या फ्लिक था, मजा आ गया, लेग स्टंप के बाहर गेंद जरूर थी लेकिन कलाइयों का भी इस्तेमाल किया और शक्ति का भी, राजीव का जोरदार प्रहार, वेंकटेश केरवी हुआ क्या ये राजीव डेंजर मैन नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं, काउंट करना बहुत जरूरी। तेलुगु वॉरियर्स के लिए डॉट डिलीवरी, 16 ओवर के समाप्ति, 136/3। Thank you.
ध्रुव शर्मा का शानदार अर्धशतक और उनके साथ खेल रहे हैं राजीव, शक्तिशाली बल्लेबाज, सिर्फ 12 गेंदों में 4 छक्कों के साथ 27 रन फिलहाल बना चुके हैं। अखिल अकिनेनी एक बार फिर आएंगे गेंदबाजी करने, आदर्श नहीं ये अखिल अकिनेनी है। दो ओवर में फिलहाल अखिल ने 16 रन दिए हैं। पार्ले जीएन से गेंदबाजी, फिलहाल कोई सफलता नहीं, लेकिन जिस तरह ध्रुव और राजीव खेल रहे हैं, कड़ा मुकाबला तेलुगु वॉरियर्स के 190 का, क्या बढ़िया चेस हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत ही रोमांचक, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार अक्रॉस लाइन खेलते हुए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, इसी प्रकार जो फील्डिंग का स्तर है उसको बरकरार रखना होगा तेलुगु वॉरियर्स के लिए। कुछ मौके गवाए हैं और अब जो खतरे की हम बात कर रहे हैं, राजीव वो स्ट्राइक पे आते हुए, जैसे ही आते हैं जो दर्शक हैं वो भी उत्तेजित नजर आते हुए, जानते हैं कि अभी तक तूफानी बल्लेबाजी की है राजीव ने। थोड़ी सी तब्दीली फील्ड में, डीप मिड विकेट भेजा आदर्श को, सीधा बॉलर के पीछे, लेकिन इतनी बढ़िया टाइमिंग नहीं, अच्छी फील्डिंग फिर भी। सुपर फील्डिंग बाय सम्राट, जानते हैं कि 4 रन मिल सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग तेलुगु वॉरियर्स की, 2-4 कैच जरूर छोड़े हैं तेलुगु वॉरियर्स ने, लेकिन फील्डिंग ज्यादातर अच्छी। और स्ट्राइक रेट देखिए राजीव का 215, 50 रन की साझेदारी। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, इस अंपायर ने संकेत दिया, अपील जरूर की थी अखिल ने और कीपर नंद किशोर ने। जैसे प्रतीत हो रहा था कि गेंद जो लेग स्टंप है उसको मिस करती, एंगल के तहत गेंद बाहर जा रही थी, पर क्या रोमांचक स्थिति में मुकाबला। 52 रन अभी भी चाहिए 21 गेंदों में। राजीव एक बार फिर स्ट्राइक पे आते हुए, चिंताओं की अब रेखा जरूर बढ़ती हुई दोनों ही टीमों में। इस बार टाइमिंग सही नहीं, पहला रन तेज से दौड़ते हुए, सही सोच राजीव द्वारा, मात्र एक ही रन मिलेगा। के का बॉलिंग, पर जरूरत है कि अब कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए, एक बाउंड्री लगाई जाए। अभी तक का अच्छा ओवर अखिल द्वारा, इस बार उठा के खेला ऑन साइड पे, कोई फील्डर तैनात नहीं, 4 रन मिलते हुए, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में एक बार फिर आ गए थे ध्रुव। संजना भी मैच का लुत्फ उठाते हुए, कदमों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन करारा शॉट जस्ट इनसाइड द बाउंड्री लाइन। डीप मिड विकेट मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई जोखिम नहीं उस शॉट में। 8 रन इस ओवर में, आखिरी गेंद, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन वहां फील्डर मौजूद और सिर्फ एक ही रन। राजीव एक और लेना चाहते हैं और आसानी से कंप्लीट किया। 17 ओवर समाप्त, 3 विकेट पर 146। कर्नाटका बुलडोजर्स 146/3 आफ्टर 17 ओवर्स। लास्ट 3 ओवर्स 45 रन सीरीज। कैन यू हियर मी? Sudeep from Karnataka, a very nail-biting match. Yeah, very. Are you tensed? No, not tense. We are enjoying the game, and if at all we can get it up to the score and we can win it in a good way, I think nothing like that. Because, see, one is we were playing without the pressure and there's nothing of that sort. But yeah, provided we win it,
there are other teams also hoping for us to win, and we don't want to let them down. That's about it. Who are your favorite players in your team? See, of course, there are. I mean, I wouldn't want to pick from my team. All of my kids, I mean, they're doing very well. So. And what about the team bonding exercises that you guys have been doing? Because you guys have fared really well in CCL. So I think it's definitely required, because we are not regular cricketers. So those kind of exercises and bonding are very much required for us to get along. Don't forget that we are actors. By the end of the day, all are contemporaries. So yeah, that way we all need to bond well. While watching the match, do you actually think that you could like edit it like a film or something? Does it ever go on in your head? See, the first two finals or the first two seasons is something which I can never forget, because we were very close yet too far. And the second season finals, so we almost had it. And I think small blunders cost us the match. And yeah, we have come a long way from there, and the Bulldozers have really made a mark. And I'm happy about the performances of the team. It's a fantastic support that you're getting at the stadium. Fantastic atmosphere here. Andhra has always been fantastic, and the crowd here has always been very supportive. Only one small thing is I didn't even hear them playing a Kannada song from a long time. So that is one thing that is really irking me. We are here and I can hear everything else but our language, Kannada. Kannadalli, I mean, if there was a song, I think I would have been more happy. Do you want to say a line in Kannada for all your fans? Ellarigunu nanu khushiyagi heladishtane, namma ottige support kottidira, tumba 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 dhanyavaadagalu, sada nimmannu preethisthane irthe, preethisthane irthe. Thank you very much and all the best. Rajiv, you beauty. क्या पिकअप शॉट मारा है बल्ले के बीचों बीच, और ये राजीव का चौथा छक्का। थोड़ा सा बायां पैर बाहर निकाला, जगह बनाई। मैं उषारु शर्मा, मेरे साथ हैं विशाल। क्या लंबा छक्का विशाल, ऐसी पारी देखकर बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आ रहा है, ग्रुप में बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन राजीव ने आकर पूरी केमिस्ट्री बदल दी यहाँ पर। What do you think, चारु सर? जी, राजीव में इसी तरह की काबिलियत है, बहुत बढ़िया पारी खेल चुके हैं वो। स्लोअर बॉल देखी उन्होंने, और ऑफ साइड की फील्ड को चीरते हुए ये गेंद भी चौके के लिए। स्लोअर गेंद थी, राजीव ने स्ट्रोक चेक किया और एंड वक्त पर स्ट्रोक बदला। फाउंड द गैप, अनदर बाउंड्री। 32, दैट्स इट, 32 रिक्वायर्ड। This guy is playing, he's on absolute fire. मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। A lost cause has been converted. Very, very superb batting by Rajiv. 29-14, 32 to win from 16 balls. क्या लगता है आपको चारू सर, हो सकता है जी अगर इन दोनों में से कोई आउट हुआ तो? नहीं, और ये दोनों अगर मैदान में रहे तो हाँ। You know, that's what I really like about you. मैं किसी को भी सवाल पूछता हूँ, बोलते हैं maybe, पता नहीं, लेकिन आपसे जब मैं सवाल पूछता हूं तो डायरेक्ट होता है, ये हुआ तो ये हुआ तो नहीं। आप मेरा लाइफ, आप मेरे लाइफ कोच बन जाइए। बड़ी जिम्मेदारी मत डालो, और बस कहने की बात है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं कि अगर ये दोनों मैदान में रहें तो कर्नाटक बुलडोजर्स ये मैच जीत सकते हैं। सिर्फ मुझे ये कहना होगा कि देखिए, मोटिवेशन में इन दोनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई डेस्परेशन नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, क्योंकि ये पहले ही नॉकआउट या सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। डेस्परेशन है तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्योंकि उनको ये मैच जीतना ही जीतना है। आप एक्साइटिंग प्राइजेस जरूर जीतिए। मोबीविजन पर एमटीएस यूजर्स डायल 52020 डायल कीजिए, प्राइजेस जीतिए, उससे आसान क्या हो सकता है। तो मैंने कहा था जो पैनिक है वो कर्नाटका बुलडोजर्स पर होती दबाव होता अगर उन्हें भी ये मैच जीतना ही जीतना था सेमीफाइनल में आने के लिए, लेकिन सारा पैनिक सारा प्रेशर तेलुगु वॉरियर्स पर है, और इस टाइम जो होगा प्रेशर उन पर बहुत ही गंभीर होगा। That's wide. टेंशन दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, the tension is showing. देखिए, आदर्श को वाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ दबाव। Such an important word, yeah, pressure, दबाव। You know, this is a prime example of how your home ground can become a place which is against you. जो प्रेशर जो है इस वक्त, जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन पे, इट्स इनक्रेडिबल। और 10 मिनट पहले की बात ले लीजिए, 15 मिनट पहले की बात लीजिए, देयर वाज नो चांस ऑफ कर्नाटका बुलडोजर्स बुलडोजिंग द तेलुगु वॉरियर्स, बट नाउ लुक एट दैट। नो चांस तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत लो चांस था। ध्रुव दौड़ लेना चाहते थे राजीव को जल्दी में नहीं, और सही निर्णय, क्योंकि जल्दी जल्दबाजी में कोई रनआउट की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। आराम से एक रन लीजिए, अगर अगली बॉल पर राजीव ने अगर बाउंड्री मारी, छक्का मारा, तो
वैसे ही एक रन और एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत थी? As you said, if this over is a big one, it might just all be over for Telugu Warriors. ऊंचा शॉट और लॉन्ग ऑफ के सिर के ऊपर से छक्का। राजीव क्या बात है, ऐसा लगा था मुझे कि बल्ले के बीचों बीच ना लगी हो, लेकिन गगनचुंबी शॉट, ऊंचा हवा में गया और लंबा भी। मजा आया आदर्श, मजा आया विशाल, आदर्श को नहीं आया होगा। आदर्श को तो पिटाई हो रही है अभी, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज दिस इज टर्निंग आउट टू बी व्हाट अ ग्रेट मैच। इफ दे चेस इट डाउन, more than 300 runs scored in this format right now, it's going to be fabulous. Fantastic, kya knock hame dekhne ko mil raha hai. Rajiv ne thodi si jagah banayi aur leg stump ke bahar gaye aur ek ajeeb sa matlab unconventional shot khela, sirf apne shakti ka istemal kiya, kya badhiya safalta mili. Look at this, look at what Rajiv has just done. 22 just of 14 balls, very very possible. It's absolutely fabulous. Rajiv 45 runs in 15 balls, incredible. Mujhe lagta hai ki सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का सबसे तेज अर्धशतक हो सकता है, सिर्फ 15 गेंदों में 45 और अगली गेंद में अगर उन्होंने छक्के के साथ 50 पूरे किए तो सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन, कमाल की बल्लेबाजी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अगर 19 गेंदों में बनाया तो भी बेहतरीन अर्धशतक हो सकता है। मारा है और कैच गिर गया। Bad time to drop that catch. Very bad time to drop that catch. My God. Charni ne abhi abhi realize kiya hai ki kya hua hai and she is absolutely stunned. Kya badhiya mauka tha Telugu Warriors ke liye ki Rajiv ki pari ki samapti yahin ki jaye aur jeet ki taraf agrasar hon. Maine ye nahi keh raha ki bahut aasan catch tha. Aage badhte badhte shayad The pressure is showing. The pressure is really, really showing on the Telugu Warriors here. Their army is scattering. Akhri gend 18th over ki. Rajiv ne ek aur lamba chakka mara seedha LED size screen ki taraf. 28 run is over se. 18 over samapt, 3 wicket par 177 Karnataka Bulldozers. Anikofix CCL powered by Parlay 2020 cookies. This is an exciting match right now. Pagal pandi ho rahi hai yahan par kyunki yahan sab crazily is game ko aur excitedly is game ko dekh rahe hain. Look at this. 14 to win in 12 balls, nearly just a run a ball. Aur ye sab hai Shukr Rajiv. 53-19, one of the fastest 50s in this tournament of the CCL. Dhruv बहुत ही एबली सपोर्ट, 64 इन 46, 177 फॉर 3 इन द 18th ओवर। एज आई सेड, सिर्फ 14 रन जीतने के लिए और 2 ओवर बाकी। द क्राउड इज गोइंग एब्सोल्युटली मैड एंड सो सुदीप, 10 ओवर पहले इतने एक्साइटेड नहीं थे, सेलिब्रेशंस नहीं हो रहा था। कर्नाटका बुलडोजर्स का जो साइड था वो बहुत ही डिप्रेस था, बहुत ही लो था, लेकिन as soon as Rajiv came into the picture, things have turned around for the better for Karnataka Bulldozers and a disastrous time for the Telugu Warriors. Calm, composed, pacing around Rajiv. Jo Telugu Warriors ke jo supporters hain, even the pretty ones, cannot help but give out a nervous smile and a nervous laughter. Dhruv is the batsman and Vishwas the bowler. Inka pehla over hai is waqt.
आदर्श ने 3 ओवर में 51 रन्स दिए हैं, उनका इकोनॉमी रेट है 17, व्हिच इज वेल नॉट एट ऑल व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय द टेलुगु वॉरियर्स. लेकिन लेट्स सी अगर विश्वा कुछ कर सकते हैं यहां पर. वेलकम सर. 14 runs needed, 11 balls to go. क्रेजी सिचुएशन यहां पर, जिसे आपने छोड़ा था दो ओवर पहले और दो ओवर में ये देखिए क्या हो गया है. बिल्कुल विशाल, और इसको कहते हैं क्रिकेट का खेल, कितनी जल्दी या करवट बदली है इस मुकाबले ने. और अपील करते हुए क्या यहां विकेट मिलेगी, रेफरल मांग रहे हैं. विश्वा थे गेंदबाज, उनको काफी विश्वास है कि भारी किनारा लगा है और क्या निर्णय होगा थर्ड एम्पायर का, यह वक्त ही बताएगा. विश्वा को बिल्कुल विश्वास है कि ये आउट हो सकता है, और जब वो ना ना बोल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अंपायर उन्हें रेफरल के लिए भी ना बोल रहे हैं. लेट्स सी द नो बॉल सिचुएशन. नॉट एट ऑल, वे फ्रॉम बिहाइंड द लाइन, तो इट्स नॉट अ नो बॉल. अभी देखना है अगर बैट को स्क्रेप होकर या एच होकर गई है कि नहीं. ओह दैट्स क्लोज. जो चीज विशाल, जो थर्ड एम्पायर देखेंगे, क्या कोई डिविएशन थी, क्या कोई गेंद एंगल बदला. बहुत ही करीबी मामला है, बहुत ही करीबी मामला, काफी नजदीक. बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है राइट नाउ. एंड इट्स और यहां पे पक्ष में जाता हुआ फील्डिंग साइड के, तो एम्पायर प्रभावित हुए. एक और झटका लगता हुआ, ये बड़ी विकेट, क्योंकि राजीव बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे. 53 पे आउट हुए 178 पे 4. दिस कुड बी अनदर टर्निंग पॉइंट राइट नाउ. राजीव 53. Go on Ecoflex CCL powered by Parlay 2020 Cookies. What an interesting position this match is in. 178 for 4 overs, 18.2. 13 run jeetne ke liye sirf 10 ball. Aur is waqt bahut hi important wicket gaya hai. Vishwa ne Rajiv ko caught behind. Beautiful ball. And it was taken to reference. Aur bahut par unhe third umpire ne out bhi kiya tha. Now they're coming back for the second. No, they're not. Good decision. This is going down to the wire, sir. बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है. 12 रन चाहिए 9 गेंदों में. एक अगर बड़ी शॉट लगती है विशाल, अब तो पूरे मुकाबले का रुख बदल जाएगा. ध्रुव जितनी स्ट्राइक अपने पास रखेंगे उतना बेहतर रहेगा कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है. भास्कर अभी भी आया है, उनके लिए इतना आसान नहीं. क्या करते हैं विश्वा, ब्लॉक होल में डालते हैं या धीमी गति गेंद. इस बार बल्ला घुमाया और गैप में खेला. यहां पे 4 रन और मिलेंगे. दैट्स अ शॉर्ट बॉल विश्वा. इस टाइम पर शॉर्ट बॉलिंग इज नॉट अलाउड. आप थोड़ी भी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके हर गलती को बहुत बहुत बड़ा अंजाम दिया जाएगा. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर मोर बॉल्स देन रन्स टू मेक. इज दैट राइट? वी विल जस्ट हैव दैट कम अप वेरी सून. 8 फ्रॉम 8 बॉल्स इक्वल. बिल्कुल सही. ट्विटर कॉन्टेस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वाई लव सीसीएल कॉन्टेस्ट, और टिकट जीत सकते हैं बड़े फाइनल के लिए, जो कि अब अगले हफ्ते खेला जाएगा रविवार को
Well, I know why I love the CCL. Wide, I think. Yes, oh my god. सात रन जीतने के लिए और अब पहली बार इस मैच में ज्यादा गेंद और कम रन्स. ध्रुव द सेट बैट्समैन ऑन स्ट्राइक 69 पर एंड दैट्स अनदर वाइड. नो यस दैट्स अनदर वाइड. दिस इज डिजास्टर. दिस इज अ डिजास्टर फॉर द तेलुगु वॉरियर्स जो बस कुछ ही क्षण पहले इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और सब कुछ कंट्रोल में था. छह रन जीतने के लिए आठ बॉल्स. यार विशाल उसका मतलब खाली एक स्ट्रोक दूर, मात्र एक बड़ी शॉट लगानी है और ये मुकाबला कर्नाटका के पक्ष में होगा. पर अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है भैया. वेल सेड सर, वेल सेड. लेट्स सी व्हाट दिस वन गोस. ओह माय गॉड, दिस इज क्लियर प्रेशर. ये बिल्कुल प्रेशर दिख रहा है विश्वा पर और विश्वा को अपने आप पर थोड़ा काबू करना चाहिए. ये टेंशन का माहौल बहुत है, वी अंडरस्टैंड दैट. लेकिन फिर भी इस लेवल पर अगर आप खेल रहे हैं इस टाइम पर और इतना जरूरी जो मैच है जहां पर पांच रन है जीतने के लिए और सात बॉल है हाथ में, एक्स्ट्राज इज अ सिन. बिल्कुल सही कहा. और अब तीन वाइड अपने किस ओवर में. ये बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, डॉट डिलीवरी 186 पे चार. व्हाट अ बॉल टू फिनिश द ओवर. लास्ट ओवर कमिंग अप. Five runs needed. स्टैंडिंग्स की बात करें, ये मुकाबला तेलुगु वॉरियर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज अगर वो हारते हैं तो उनके लिए क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के लिए बहुत ही मुश्किल. कर्नाटका की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, पांच अंक उनके हैं. केरला स्ट्राइकर्स भी अच्छी स्थिति में है, पर तेलुगु वॉरियर्स के लिए जैसे हम पहले भी कह रहे थे, ये करो या मरो का मुकाबला. अगर आप दो अंक लेते हैं तो आप वो क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई. अब आखिरी ओवर, पांच रन चाहिए छह गेंदों में. गेंदबाजी कौन करेगा विशाल, ये भी दिलचस्प रहेगा. एंड द मैन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अखिल, जिन्होंने इतनी बढ़िया बैटिंग की थी. 90 रन्स इन हिज बैटिंग, ही रियली डिजर्व्ड दिस 190 रन्स. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हु इज इन्वॉल्व विद दिस मैमथ स्कोर दैट तेलुगु वॉरियर्स क्रिएटेड. लेकिन अब इट कम्स डाउन टू द क्रक्स. ये गट्स गट्स की बात होती है अगर कोई आखिरी ओवर अपने जिम्मेदारी पर ले, जब उनकी जो टीम है वो इतनी डेलिकेट पोजीशन में अगर जब पहुंच जाए कि अगर इस ओवर में वो हार जाए या इस मैच को हार जाए, दे विल बी आउट ऑफ द सीसीएल. बिल्कुल. और अखिल का अगर आप देखें, बल्ले के साथ दिन था, पर शुरू में जब ओवर किए थे थोड़े से महंगे साबित हुए. क्या यहाँ पे वापसी कर पाएंगे. भास्कर फिलहाल स्ट्राइक पे है. लगता है भास्कर भी सोच यही रहेगी कि आप अगर सिंगल भी मिलता है तो वो भी ले लें, क्योंकि अब ध्रुव उनके एक की बल्लेबाज है, सेट बल्लेबाज है. जितनी स्ट्राइक ध्रुव को मिलती है उतना बेहतर रहेगा कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए. फिलहाल फील्ड की बात करें तो एक खिलाड़ी कवर पॉइंट, मिड ऑफ का खिलाड़ी पीछे जाता हुआ बाउंड्री की तरफ ऑफ साइड में. लेकिन मैं आपको बता दूं कि इट्स अ वेरी ब्रेव मूव कि अखिल आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तीन ओवर्स में 9.33 के एवरेज पर रन्स दिए हैं, 28 रन्स. सो फॉर हिम टू कम हियर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू सी दैट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ब्रेवरी एंड स्टूपिडिटी. तो अभी देखते हैं कि ये ब्रेवरी है कि यह विशाल. और मैं यही बात कर रहा था कि आज गेंदबाजी में वो ले नजर नहीं आए, महंगे साबित हुए. क्या वापसी कर पाएंगे. राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए बढ़िया गेंद बिल्कुल टप्पे पे, हालांकि एक रन मिलता हुआ भास्कर को. शायद यही वो चाहते थे कि ध्रुव वापस स्ट्राइक पे आए,
जो कि 69वें बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया अर्धशतक रहा है ध्रुव का, पारी को संभाला है, दृढ़ता प्राप्त कराई है उन्होंने। सिर्फ 4 रन बाकी, 5 बॉल हाथ में, एक एक हिट, और अगर वो एक हिट बाउंड्री के उस पार चले जाए तेलुगु वॉरियर्स सीसीएल 2014 से बाहर हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है तेलुगु वॉरियर्स के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं द टेंशन जो हर एक इंसान पर है जो स्टेडियम में है और जो तेलुगु वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सबके सब, सबके सब खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं बैठा है। ये अपनी टीम से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने स्टार्स से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं और आज इन्हें पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट ओवर, ये खत्म नहीं हुआ है। 4 रन जीतने के लिए 5 बॉल्स, अखिल रनिंग इन राउंड द विकेट, ही गोज फॉर द बिग हिट एंड टेक्स अ सिंगल। 3 रन जीतने के लिए 4 बॉल। अभी तक जो दो गेंदें डाली है यहाँ पे अखिल ने, अब गेंद को थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ रखा है, बिल्कुल अब गेंद स्लॉट में नहीं कर रहे, जानते हैं कि अब जो बल्लेबाज है उनके इरादे स्पष्ट है कि बल्ला घुमाएंगे। चिंताएं बढ़ती हुई, टेंशन बढ़ती हुई साफ झलक रही है। ब्रांड एम्बेसडर सुमन रंगनाथन, अभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी उसी एंगल के तहत गेंदबाजी करते हुए अखिल राउंड द विकेट। एक या दो डॉट बॉल्स अब चाहिए तेलुगु वॉरियर्स को, इस बार पैड लाइन पे रन नहीं मिलेगा, इसी का मैं जिक्र कर रहा था विशाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉल, ये जो डॉट बॉल है उसकी जो अहमियत है वो इस वक्त सिर्फ तेलुगु वॉरियर्स समझ सकते हैं। वर्थ इन गोल्ड, 3 रन 3 बॉल। सुदीप कुछ कहने की चाह की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं? 3 तो मैं समझ गया, लेकिन वो पी जो साइन था वो क्या था वो समझना मुश्किल है, पर अगर आप ऑन साइड की फील्ड सेटिंग देखें, लाइन से भटक नहीं सकते अखिल, फाइनल लेग सर्कल के अंदर है, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर है, मिड विकेट का खिलाड़ी है, तो मात्र अगर थोड़ी सी भी दरार ढूंढने में सफल रहते हैं तो बाउंड्री मिल सकती है। तो जो लाइन है बिल्कुल विकेट टू विकेट मिडिल स्टंप पे रखनी होगी। इस बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, दबाव बढ़ता हुआ, क्या विकेट मिलेगी? जी नहीं, सही समय पे वापस आते हुए डाइव लगाई यहां पे ध्रुव ने, एक और डॉट बॉल। आई थिंक अखिल ने समझदारी की है, जबकि उनके सारे टीम मेंबर्स इस एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे कि आपने विकेट पर फेंका क्यों नहीं गेंद, रन आउट करने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन अखिल काम अंडर प्रेशर इवन एट दिस यंग एज, लुक एट दैट, वेल डन, हिट द पैड, बहुत बढ़िया फील्डिंग, काम कलेक्टेड अखिल ने कलेक्ट किया है एंड ही डिसाइडेड नॉट टू थ्रो। व्हाट डू यू थिंक, राइट डिसीजन एट दिस पॉइंट? बिल्कुल सही, और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए जो फील्डर्स हैं उनकी भी सोच सही है कि जो सिंगल है उसको रोक रहे हैं। क्या एक और टाई देखने को मिलेगा, इधर बल्ला घुमाया और यहां पे विजय मिलती हुई, तो जीत हुई कर्नाटका बुलडोजर्स की। बाउंड्री लगाई यहां पे अब भास्कर ने, 6 विकेट से मुकाबला जीता, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला, और दाद देनी होगी, इतना आसान नहीं इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना, पर क्या यहां पे पारी खेली है ध्रुव ने और क्या बल्लेबाजी किया भास्कर ने, जो कि विनिंग स्ट्रोक लगाई। देखिए पूरे ही जो टीम है कर्नाटका बुलडोजर्स की कितनी खुश, और तेलुगु वॉरियर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आज उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। मुंबई हीरोज की टीम ने आज एक मुकाबला जीता था, बहुत ही बढ़िया जीत अर्जित की उन्होंने वीर मराठी टीम के ऊपर, और कहीं ना कहीं अब 2 अंक प्राप्त किए, पर निराशा हाथ लगती हुई तेलुगु वॉरियर्स के वेंकटेश पहुंचे हैं, निराश होंगे, हताश होंगे, और सबसे बड़ी बात एक बड़ा स्कोर बनाने के